हिमाचल पथ परिवहन निगम के तहत परिचालक का टेस्ट पास किए हुए अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन पत्र भेजा। ज्ञापन पत्र के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल में शामिल युवाओं ने प्रदेश सरकार से परिचालक भर्ती के लिए लिए गए टेस्ट का परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग उठाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पूर्व सरकार के समय सितंबर 2017 में परिचालक की प्रदेश भर में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए एक टेस्ट लिया था, जिसमें प्रदेश के कई बेरोजगार युवाओं ने इस टेस्ट को पास किया है, मगर पूर्व सरकार के लिए गए टेस्ट फिलहाल निगम की फाइलों में दफन करके रखा हुआ है, जिससे टेस्ट पास इन बेरोजगार युवाओं में धीरे धीरे प्रदेश सरकार के प्रति रोष पनपने लगा है। इसी के चलते परिचालक टेस्ट पास प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिले। इस प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन पत्र भेजा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल इन युवाओं ने प्रदेश सरकार में परिचालक टेस्ट का परिणाम घोषित करने की मांग की। पास की हुआ है, बीते गत वर्ष 2017 सितंबर 2017 में हमने TMTA का टेस्ट पास किया हुआ है। सारे युवा हमारे भाई यहाँ आए हुए हैं और आज हमने इस हिसाब से एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस परिणाम को जो है घोषित किया जाए। हमने जिस हिसाब से ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन जल्द से जल्द भेजेंगे और इसका परिणाम जल्द से जल्द निकालेंगे। ये परिणाम जो है अभी नई सरकार ने लटकाया हुआ है, क्योंकि हम इसकी बड़ी आस लगाए हुए सारे भाई जो है सारी आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत खर्चा किया हुआ है। हम इसके लिए जो प्रमाण जो है, जिसके बाद टेस्ट पास करने के बाद जो प्रमाण हमारे चेक हुए हैं, वो जो है शिमला में हुए। तो हमारे ऐसे कई गरीब भाई भी उन्होंने जो है पैसे उधार लेके जो है शिमला पहुंचे, जिसमें तकरीबन 5,000 के करीब हमारा खर्चा हुआ है। और इससे हमारा मंत्री महोदय से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे परिवहन मंत्री से भी यही अनुरोध है कि इस रिजल्ट को जो है मेरिट के आधार पर जल्द से जल्द घोषित किया जाए। आज हमने जो है DC साहब को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री जी के पास भेजने के लिए। जैसे हमने पिछली कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में HRTC में परिचालक का ये दिया था, टेस्ट दिया था, उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इसको तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं ऐसे लटकाया हुआ इन्होंने, कभी कुछ बहाने बना रहे हैं, कभी कुछ बहाने बना रहे हैं ऐसे। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि इस परिणाम को जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ताकि उन्होंने जो इलेक्शन से पहले वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार देने का, वो पूरा हो सके। यही हमारी मांग है।